हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको RSCIT एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो VMOU द्वारा RSCIT का संडे को एग्ज़ाम हो रहा है उसकी आंसर की भी इसी वेबसाइट पर, इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का विकल्प का चुनाव करना है। राजधारा को राजस्थान का GISS कहते हैं या DSS भी कहते हैं। तो पहले का आंसर है यू, राजधारा। राजमेघ को राजस्थान का क्लाउड कहते हैं, तो आंसर आएगा टी। राज ई वॉलेट जो होता है वो एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। RAAS जो होता है GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यानी क्यू है। और राज AEM को हम क्या वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म कहते हैं, जबकि राज ई साइन जो है वो आपका डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली कहलाता है। तो आंसर आएगा सी। पहले का यू है, दूसरे का टी है, तीसरे का आर है, चौथे का क्यू है, पांचवे का एस है, छठे का पी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होते हैं। उसे एमएस वर्ड को नहीं कहते क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। MS Excel को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। MS PowerPoint को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जब MS Excel एक डेटाबेस है तो हम आंसर आएगा MS Outlook। तो इसका आंसर है MS Outlook, जिसे ईमेल क्लाइंट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन करने के लिए क्या जानकारी आवश्यक होती है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए होता है इसके लिए। समाप्ति तिथि और CV, जिसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं, ये भी होना चाहिए। वन टाइम पासवर्ड भी इसमें मिलता है। तो उपरोक्त भी तो सभी की जरूरत पड़ती है। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, सारे आंसर सही हैं। MS Excel में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती तो हम डैश डैश का उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सामग्री को कई कई लाइनों में पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। मर्ज सेल, इंसर्ट सेल, फिट सेल और वन पे। तो आंसर आएगा रैप टेक्स्ट के द्वारा कर्सर जो होता है, जो लाइन्स होते हैं मल्टीपल लाइन्स में टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है। तो आंसर है डी, रैप टेक्स्ट। यदि MS Excel में गलती से किसी कार्य को बिना सेव किए बंद कर दिया जाए तो बिना सेव किए प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटमेंट दो है, MS Excel में इंटरनेट से डाउनलोड की एक्सेल फाइल बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो MS Excel में अगर आप किसी भी कार्य को सेव नहीं करते, बंद कर देते हो, तो भी हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि MS Excel में इंटरनेट से जो भी फाइल ओपन की जाती है एक्सेल फाइल, वो प्रोटेक्टेड व्यू के अंदर ओपन होती है। तो आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ही सही हैं। तो आंसर आएगा ए। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प क्या है। फ्लोपी डिस्क आती है, CD, RW आती है, DVD आती है, ब्लूरे डिस्क आती है हार्ड, यानी कि फ्लोपी डिस्क छोटी होती है CD से, CD छोटी होती है DVD से, DVD छोटी होती है ब्लूरे डिस्क से, हार्ड डिस्क से। फ्लोपी डिस्क का साइज 1.44 MB होता है, CDW का 700 MB तक होता है, DVD का 4.7 GB 17 GB होता है, ब्लूरे डिस्क 25 से 50 GB होती है, जबकि हार्ड डिस्क जो होती है टेराबाइट के अंदर उपलब्ध होती है। तो आंसर आएगा पहला, फ्लोपी डिस्क लेस देन CD, RW और DVD, ब्लूरे डिस्क एंड हार्ड डिस्क। तो आंसर आएगा फर्स्ट ए। मान लीजिए कि शीट 1 नामक वर्कशीट पर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शीट 3 नामक वर्कशीट मौजूद A1 से A10 सेल को मूल्य का योग हो तो MS Excel में सही फॉर्मूला क्या है। तो सही होता है हमेशा MS Excel में फॉर्मूला होता है इक्वल से स्टार्ट होता है, उसके बाद फॉर्मूला नेम सम और उसके बाद शीट 3 नो उसके बाद आएगा एक्सक्लेमेशन A1:A10। तो आंसर आएगा ए, द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट ए। निम्न में मिलान करना है MS Word। MS Word क्या होता है, MS Word में डॉक्यूमेंट बनता है और डॉक्यूमेंट की फाइल की एक्सटेंशन MS Word की एक्सटेंशन .docx होती है। MS PowerPoint के अंदर स्लाइड बनती है, इसकी एक्सटेंशन .ppt/ppt होती है। MS Excel जो होती है वो डेटाबेस, जिसको बोलते हैं डेटाबेस आएगा इसका आंसर। डेटाबेस की एक्सटेंशन जो होती है MS Excel की एक्सटेंशन .mdb या .accdb होती है। MS Excel के अंदर जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है और इसके अंदर जो फाइल बनती है .xls/.xlsx होती है। MS Outlook एक ईमेल क्लाइंट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर होता है। तो आंसर आएगा सी, पहले का क्यू आंसर है, दूसरे का एस आंसर है, तीसरा आर, चौथे का टी, पांचवे का पी। यानी MS Word के अंदर डॉक्यूमेंट बनता है, MS PowerPoint के अंदर स्लाइड बनती है, MS Excel के अंदर डेटाबेस बनता है, MS Excel के अंदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जबकि MS Outlook एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम कहलाता है। तो आंसर आएगा सी।
आकार अवधि पर आरोही असेंडिंग ऑर्डर में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था, पैन छोटा होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क छोटा होता है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, लोकल जो छोटा होता है मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क से, और वैन जो छोटा होता है वैन से। तो आंसर आएगा पैन लेस देन लैन लेस देन मैन लेस देन वैन। तो आंसर आएगा ए इज द करेक्ट आंसर, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम वैन मैन लैन और पैन कर सकते थे, लेकिन इसने असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो पैन लैन मैन एंड वैन, ए आंसर आएगा। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट में क्या अंतर है? जो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं पूरी स्लाइड पर लागू किए जाते हैं, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट होता है उस पर एनिमेशन। जो स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उस पर तो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई होंगे, जो कि ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में अप्लाई होते हैं। तो इसलिए आंसर आएगा ए, स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर अप्लाई किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्रभाव लागू किए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका का सही मिलान करना है। बिंग, वेब क्रेवलर, याहू, ये एक सर्च इंजन है। पीओएट पॉइंट ऑफ सेल, जो कि रिटेल पर्पज से रिटेल पेमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। एक मशीन होती है पॉइंट ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं, एक मशीन है जैसे जिसमें स्वैप करके हम क्या करते हैं रिटेल पेमेंट करते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये हमारे मोबाइल वॉलेट हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जो हमारी हैं सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये क्लाउड स्टोरेज होते हैं। और ओटीपी वन टाइम पासवर्ड और एसएसओ सिंगल साइन ऑन होता है। आईई, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर, ये हमारे ब्राउज़र हैं, और जिसमें से नेटस्केप जो है कमर्शियल वेब ब्राउज़र है, फर्स्ट कमर्शियल। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ विंडो 10 में रिप्लेस किया गया है। MWOC, ये क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। तो इसके आंसर आएंगे पहले का बिंग, बिंग जो है सर्च इंजन है, तो पहले का आंसर सी है। पॉइंट ऑफ सेल्स का आंसर आएगा बिंग, उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल का आंसर है रिटेल पेमेंट के लिए आंसर आएगा जी। तीसरा है UPI और ऑब्लिक भीम जो होते हैं, जिसको हम मोबाइल वॉलेट भी कहते हैं, तो आंसर आएगा ई। उसके बाद है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल नेटवर्किंग साइट, तो आंसर आएगा एच। उसके बाद गूगल ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज होते हैं, तो आंसर आएगा डी। और उसके बाद OTP वन टाइम, इसको ऑनलाइन प्रमाणिक या सिंगल यूजर ID भी कहते हैं, तो आंसर आएगा ए। उसके बाद आई, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये हमारे ब्राउजर कहलाते हैं, तो आंसर आएगा ए बी। और मो क्या है, एडेक्स, यूडासिटी, और उसके बाद आएगा कौनसेरा और खान अकेडमी, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आंसर आएगा पहले का सी, दूसरे का जी, तीसरे का ई, चौथे का आई, चौथे का जो है आई, और पांचवे का है एच, छठे का डी, सातवें का ए, आठवें का बी, और नौवें का एफ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार जो हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इस वायरस भी एक प्रकार का पीस ऑफ कोड होता है। ट्रोजन और इसके द्वारा की लोगर को इंस्टॉल किया जाता है। स्पाईवेयर क्या होता है, जासूसी करता है, दैट इज कॉल्ड द, ये सभी ही मेलवेयर जो हैं सभी भी मेलवेयर के प्रकार हैं। तो वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर और ट्रोजन हॉर्स, ये मेलवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। तो आंसर आएगा डी। ईमेल पर लिंक भेजकर पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन आदि में, एक तो पासवर्ड, एक नाम, एक जन्म, एक तारीख, पिन आदि के बारे में जानकारी, उसे फिशिंग टैप कहते हैं। तो फिशिंग अटैक होते हैं, तो फिशिंग अटैक का उपयोग किया, तो आंसर आएगा बी, फिशिंग। जबकि स्पैम जो होते हैं अनसोलिकेटेड कमर्शियल ईमेल को कहते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन को फ्लड के रूप में सेंड किया जाता है, तब तक किया जाता है जब तक कि सर्वर जो होता है ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। तो दैट इज आंसर द फिशिंग बी। IT एक्ट 2000 किसके लिए बनाया? साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून को इंडियन IT एक्ट 2000 कहा जाता है। MS Excel में चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में चार्ट, टाइटल, लीजेंड, डेटा, लेबल, ग्रिड लाइंस का क्या क्या है? तो MS Excel के अंदर चार्ट जो होते हैं, चार्ट टाइटल चार्ट के बारे में विवरण को प्रदर्शित करते हैं, सही आंसर है। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज को किस कलर में प्रदर्शित करने के लिए लीजेंड का उपयोग किया जाता है? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल्स को प्लॉट एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। तो उपरोक्त सारे आंसर सही हैं, 15वें का डी आएगा। स्टेटमेंट वन, पाई चार्ट टोटल में प्रत्येक वैल्यू के कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करता है, जबकि एक डेटा सीरीज को और सभी वैल्यूज को पॉजिटिव होनी चाहिए, ये सही है। लाइन चार्ट का उपयोग समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जबकि स्टेटमेंट XY चार्ट जिसका उपयोग पेयर्स ऑफ वैल्यू को कंपेयर करने में स्कैटर चार्ट कहलाता है, सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री, तीनों ही सही हैं। मैक्स, लेंथ, कॉनकैटिनेट, ट्रिम फंक्शन का क्या उपयोग होता है? मैक्स फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। लेंथ फंक्शन काउंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है। ट्रिम फंक्शन का उपयोग सिंगल स्पेस को छोड़कर बाकी स्पेस को रिमूव करने में किया जाता है। और सारे फंक्शन यानी सारे क्वेश्चन जो है सारे आंसर सही हैं। और फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए एमएस एक्सेल के अंदर शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग होता है, जबकि वर्ड के अंदर शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग चेंज केस ऑफ लेटर्स के लिए किया जाता है।
नीचे दी गई तालिका के सही मिलकान का विकल्प का चयन करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी वर्ड के अंदर यूज किया था डबल अंडरलाइन के लिए। ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस एफ 11 जो होती है आपकी नई एक्सेल शीट को इंसर्ट करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से टाइम को इंसर्ट किया जाता है एक्सेल के अंदर। कंट्रोल प्लस 9 से करंट रो ओब्लिक सेलेक्टेड रो को हाइड किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस से करंट कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम से इंसर्ट स्लाइड को किया जाता है, न्यू स्लाइड को इंसर्ट किया जाता है। शिफ्ट प्लस F7 से थेसर्स को ओपन किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से फ़ॉन्ट साइज किया जाता है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फ़ॉन्ट को इंसर्ट किया जाता है। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए, ओल्ड प्लस F8 मैक्रो के लिए यूज़ की जाती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट पेंटर के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके आंसर आएगा पहले का जेड, दूसरे का वाई, तीसरे का एक्स, चौथे का डब्ल्यू, पाँचवें का वी, छठे का वी और छठे का यू, उसके बाद सेवन्थ का टी, उसके बाद एट्थ का एस, नाइन्थ का आर, एक्स टेंथ का क्यू और लास्ट में ग्यारह का पी आंसर आएगा। तो आंसर आएगा ए करेक्ट आंसर। किस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008 में सीधे लाभ हस्तांतरण के वित्तीय समावेश महिला सशक्तिकरण प्रभावी सेवा वितरण के उद्देश्य से लागू किया जो महिला मुखिया के नाम पे होता है, बायोमेट्रिक बाजार और कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करता है कहलाती है? तो देखो भामाशाह योजना होता है, इसे राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था DBT के पर्पज से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया गया था और ये बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का उपयोग करती है और इसके अंदर जो होता है हम महिला सशक्तिकरण के लिए और वित्तीय समावेश के लिए इसका उपयोग करते हैं और ये क्या करती है DBT का उपयोग करके महिला मुखिया के नाम पे यूज की जाती है। तो आंसर आएगा भामाशाह योजना, आंसर आएगा 19वें का बी। EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है जिसमें क्या होता है कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। तो ये और 19 का आंसर है भामाशाह योजना। कोटाना सिस्टम ट्रे मोबिलिटी सेंटर स्निपिंग टूल क्या है? तो कोटाना जो होता है एक सर्च बॉक्स की तरह या पर्सनल वॉइस असिस्टेंट भी कहलाता है विंडो 10 के अंदर, जो बैकग्राउंड में हमारे प्रोग्राम चल रहे उसको होल्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज सिस्टम ट्रे का यूज़ किया जाता है। जबकि मोबिलिटी सेंटर स्पीकर वॉल्यूम, वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन कनेक्शन और डिस्प्ले ब्राइटनेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोबिलिटी सेंटर का उपयोग किया जाता है। स्निपिंग टूल क्या करता है, इमेज स्क्रीन के पोर्शन को कैप्चर करके सेव एनोटेट और इमेज को शेयर करने में किया जाता है। तो सारे आंसर सही हैं, तो ये सारे ही सही हैं, नीचे लिखा हुआ है सारे आंसर सही हैं, तो आंसर आएगा सारे सही हैं। MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक, iOS और सिम्बियन किसके उदाहरण है? ये मोबाइल ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो आंसर आएगा दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस भी होते हैं, इनपुट आउटपुट मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, जॉब कंट्रोल, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये इसके फंक्शंस हैं। तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो आंसर आएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स मल्टी यूजर है, विंडोज GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड मैक, एंड्रॉयड जो है ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में यूज किया जाता है, सिम्बियन नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। फुल फॉर्म है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, APL / BPL अबाव पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे सिंगल साइन ऑफ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, सर्वर कहते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस होता है, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, MIC मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, एसिड ऑटोमेटिक कॉन्सिस्टेंसी आइसोलेशन ड्यूरेबिलिटी है, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी होता है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी है, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, ADSL SMS रजिस्टर सब्सक्राइबर लाइन है, मॉडम को मॉड्यूलेटर रीमॉड्यूलेटर कहते हैं, BRS भारत रोजगार भामाशाह रोजगार सृजन योजना होता है, EPIC जो होता है EPIC या EVM इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को EVM कहते हैं, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है, NPS नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, PDF पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, RTA राइट टू एजुकेशन होता है, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क
या परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ इसको परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हैं। HSDPA हाई स्पीड डाउनलोड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन है, फेयर प्राइस शॉप या फ्रेम पर सेकंड होता है, आरोग्य सेतु ऐप क्या है, COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए डिजिटल सर्विस है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वर्म राइट वंस रीड मेन्यू होता है। आंसर की सारे फुल फॉर्म सही हैं, सबके ऊपर टिक किया हुआ है तो सामने लिखी हुई है सबकी, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। किस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008 में सीधे लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेश के लिए, तो आंसर आएगा भामाशाह योजना। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो आंसर आएगा भामाशाह योजना। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से वर्जन हैं जिसे लिनक्स कर्नल पर डेवलप किया गया, तो एंड्रॉयड के सारे वर्जन जो है इसे लिनक्स कर्नल पर डेवलप किया गया, ये एंड्रॉयड के सारे वर्जन है। एस्ट्रो फर्स्ट वर्जन था और स्वीट डिशीज के नाम पर इनका नाम रखा गया है। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। डाउट डोनेट हो गया, इक्लेयर हो गया, फोरेओ हो गया, जिंजर ब्रेड हो गया, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोट पाई, ऑल ऑफ दी, ये सारे आंसर सही हैं। GPS और मोबाइल हॉटस्पॉट में क्या अंतर है, फोन पर लोकेशन स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोबल पोजीशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, GPS का उपयोग लोकेशन को ट्रेस करने के लिए होता है, जबकि वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के लिए वाईफाई यानी हॉटस्पॉट के लिए वायरलेस कनेक्शन की जरूरत होती है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के साझा करने के लिए मोबाइल हॉटस्पॉट की जरूरत होती है। तो दोनों ही आंसर सही हैं, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसका उपयोग वीडियो कॉल टेक्स्ट मैसेज डॉक्यूमेंट जिफ लोकेशन इमेजेस ऑडियो कॉन्टेक्ट्स सेंड करने में किया जाता है और फ्री वेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड टू एंड इनक्रिप्टेड स्मार्टफोन मैसेंजर है, उसका नाम जो है दैट इज द व्हाट्सएप कहलाता है। तो आंसर रहेगा ए 24वें का। निम्न में से कौन सी मॉडिफायर और टॉगल कीज हैं, दो मॉडिफायर कीज होती हैं, इनको हम कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं क्योंकि अकेले यूज़ नहीं होते, किसी अन्य की के साथ यूज होती हैं। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट ये मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज कहलाती हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल जो होती हैं, फंक्शन ऑन ऑफ कीज या इन्हें टॉगल कीज भी कहा जाता है। तो दोनों ही सही हैं, सी। निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो जेरोक्स टेक्निक पर कार्य करता है, फोटोकॉपी मशीन के समान होता है, जिसका उपयोग मास्टर कॉपी निकालने में किया जाता है, जिसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं, जिसकी आउटपुट क्वालिटी को डॉट पर इंच में मेजर किया जाता है, क्योंकि प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी डॉट पर इंच में ही होती है, जो टोनर ड्राइंग का उपयोग करता है उसे लेजर प्रिंटर कहा जाता है, इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो आंसर का सी 26वें का सी। फॉर्मेटिंग रीडिंग बर्निंग इंस्टॉलेशन, फॉर्मेटिंग होता है जब हम फॉर्मेट कमांड का उपयोग करके हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करते हैं उसे फॉर्मेट कहा जाता है। मेमोरी में डेटा को कॉपी करना रीडिंग कहलाता है। CD या DVD में डेटा की कॉपी करना उसे बर्निंग कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी स्टोर मीडिया यानी हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर पर सेकेंडरी स्टोर मीडिया से हार्ड डिस्क पर सॉफ्टवेयर की कॉपी करना यानी CD या DVD से सॉफ्टवेयर की कॉपी की जाती है तब इसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो आंसर रहेगा, सारे आंसर सही हैं, मीडिया से हार्ड डिस्क पर सॉफ्टवेयर की कॉपी करना इंस्टॉलेशन कहलाता है। तो आंसर सारे ही सही है। संपर्क जिसे नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायत का निरावरण या समाधान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा मॉडरेशन होता है, तीसरा एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो ये 5वें चरण सही है, ऑल ऑफ दिस सारे आंसर सही है। किस टेक्नोलॉजी में सभी कंप्यूटर सेंटर उपस्थित होते हैं और हब के साथ किस टेक्नोलॉजी में यानी किस टेक्नोलॉजी में सभी कंप्यूटर सेंटर में उपस्थित हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, किस में सभी कंप्यूटर सिंगल लाइन केबल के साथ कनेक्टेड, किस टोपोलॉजी में, तो स्टार टोपोलॉजी में तो सेंटर में उपस्थित हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, जबकि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आंसर रहेगा ए और बी दोनों सही हैं। सेम लेटर को डिफरेंट पीपल या एड्रेस पर सेंड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग एनवेल्प लेवल में कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं। तो मेल मर्ज का उपयोग सेम लेटर को डिफरेंट एड्रेस या डिफरेंट पीपल को सेंड करने के लिए किया जाता है। तो आंसर आएगा बी मेल मर्ज। पेज ओरिएंटेशन को और गटर मार्जिन क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट लाइन, किसी भी हम पर्टिकुलर किसी पेज की ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होती है। पोर्ट्रेट में हाइट जो होती है विड्थ से ज़्यादा होती है, जबकि लैंडस्केप में विड्थ जो होती है हाइट से ज़्यादा होती है। और जबकि गटर मार्जिन जो होता है लेफ्ट कोमा टॉप होते हैं, जिसको अच्छे भी कहते हैं। तो गटर मार्जिन जो होता है लेफ्ट कोमा, दोनों आंसर सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। टेक्स्ट में प्रत्येक पेज के टॉप पर बॉटम पर उपस्थित क्या कहलाता है, हेडर एंड फुटर कहते हैं। इस पर टाइटल पिक्चर डे टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, तो हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर जो होते हैं इसका उपयोग प्रत्येक पेज के टॉप पर बॉटम पर किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण सही है, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होते हैं सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग गवर्नमेंट लार्ज बिजनेस के द्वारा, मिनी कंप्यूटर का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप PDA, टैबलेट स्मार्टफोन का उपयोग, माइक्रो कंप्यूटर, सभी आंसर सही हैं, क्योंकि सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ आर द करेक्ट आंसर, लास्ट आंसर रहेगा डी, यानी डी क्या, ऑल ऑफ दी सारे आंसर सही हैं, सारे ABCD सारे सही हैं। MBGB TV को क्या कहते हैं, किसके बराबर होते हैं, MB को मिलियंस ऑफ बाइट कहता है, GB को बिलियंस ऑफ बाइट कहता है, TV को ट्रिलियंस ऑफ बाइट, तो सारे आंसर सही हैं, सारे सही हैं ऑल ऑफ दिस।
निम्न में से किसके द्वारा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदला जाता है, और आईपी एड्रेस जो होता है कौन सा है, डोमेन कोडक क्या होते हैं? तो डीएनएस के द्वारा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदला जाता है। आईपी एड्रेस जो होता है 192.168.1.19 की रेंज 0 से लेकर 255 होती है, 32 बिट एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। government.jio.mil.com और इनको डोमेन कोडक भी कहते हैं या टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है। तो सारे आंसर सही हैं, क्योंकि तीन क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों के आंसर सही हैं, यानी फोर आंसर ऑल ओवर द करेक्ट आंसर। बिना पेपर डॉक्यूमेंट के किसी प्रोडक्ट की सेलिंग या बाइंग करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं। नियमों किस्मों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रेट प्रोटोकॉल 7 लेयर से मिलकर बना होता है। तो आंसर रहेगा ए और बी दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट है? ऑनलाइन पेमेंट मेथड में एनपी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने क्या है? तो पेटीएम, SBI बड़ी, फ्री रिचार्ज, मोबाइल फोन पे, ये सारे मोबाइल वॉलेट है। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग पे क्रेडिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, जबकि हमारा नेशनल NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो सारे आंसर सही हैं। तो चार क्वेश्चन पूछे, चारों आंसर सही हैं, तीन क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों के आंसर सही हैं। तो आंसर का 37वां का डी। ईमेल में हमेशा जो है होता है, जिसे अनफिनिश्ड मैसेज को स्टोर किया जाता है। ईमेल में हमेशा यूजर नेम @ डोमेन नेम होता है, और अनफिनिश्ड मैसेज को हमेशा ड्राफ्ट में सेव किया जाता है। तो आंसर आएगा डी, दोनों करेक्ट हैं। निम्न में से कौन सा निजी नेटवर्क है, कौन सा पब्लिक नेटवर्क है? तो निजी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, और जबकि पब्लिक नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, डी आंसर आएगा। लास्ट है, प्राइवेट नेटवर्क को भारी हमलों से सुरक्षा प्रदान के लिए, हैकर से सुरक्षा प्रदान किसके लिए, फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल जो होता है प्राइवेट नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है, और जो कि हैकर जो होते हैं अनवांटेड सॉफ्टवेयर को बिना जानकारी के जो अटैक करते हैं, हैकर कहते हैं, उसको रिमूव करने के, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।